6 साल पहले जब मैं इंडिया आई थी तो मुझे ऋषि से प्यार हो गया। उस वक्त ऋषि बहुत टूटा हुआ, बहुत दुखी था। तनु को याद करके दिन रात रोता। तो मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, इसीलिए मैं वापस चली गई। मलाइका, तुम अभी भी ऋषि से प्यार करती हो? आंटी, अब तो वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया, लेकिन अब मैं उससे प्यार नहीं करती, बहुत ज्यादा प्यार करती। और अब तो वो देवदास टाइप भी नहीं रहा, हंसने लगा है और भी अच्छा लगने लगा है। तो वो अच्छा लड़का चाहिए? मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अरे ये माँ किस काम आएगी? देख, 6 साल से तू उसे प्यार करती है, अब देखना मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ऋषि तुमसे प्यार करने लगेगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो तेरी और खींचा चला आएगा। पर आंटी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ए भाई गुरु, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा। और मैं तो आपसे भी ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट आज पहली बार मैंने किसी से अपने दिल की बात शेयर की है। जब भी ऋषि को बोलती थी तो वो सीरियस हो जाता था, तो मैं कह देती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैंने कभी भी मजाक नहीं किया, मैंने तो उससे सिर्फ प्यार किया। तो ठीक है, चल उसको चल कर बताते हैं। लेकिन हाँ, आज ये मत कहना कि तूने उसके साथ मजाक किया। हा? लेकिन अभी उसको ये वाली बात बताएंगे? हाँ, मेरे दिल वाली बात। ऑफ कोर्स। मेरा कहने का मतलब है कि पूरी नहीं बताएंगे ना, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। चल 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 चल। नॉट बैड आंटी, वैसे वेरी फास्ट। आप तो बिल्कुल सुपर फास्ट निकली। गुड। हाँ, गुड नहीं, वेरी गुड। तुझे पता है अंकल है ना तुम्हारे, उनको ये लगता है कि उन्होंने मुझे पटाया, पर ये सच नहीं है, मैंने उनको पटाया था। पता है कितनी चाले चल करके, कितनी जोड़ तोड़ करके मैंने उनको पटाई लिया। पटाया? हाँ। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, पटाया। पटाया। चल अब चल करके तेरे लिए ऋषि को पटा। चल लेट्स गो। सच में जो जो मुंह मेरा सब करना। हाँ, ओके, जैसे जैसे बोलो। चल। अच्छा अभी आएगा ऋषि। ऋषि पुत्र। ऋषि कहाँ गया? ऋषि हाँ, बाथरूम में होगा, मैं देखती हूँ। ऋषि पुत्र। नहीं, बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ गया होगा? शायद नीचे होगा, आओ देखते हैं। अरे सब जगह देख लिया। अरे अरे मनप्रीत, बासुन बासुन बासुन, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा, तूने ऋषि को देखा? ऋषि भाई नीचे हॉल में। चल। अरे अरे सुनो सुनो, ये आधे पैसेंजर को लेके कहाँ जाओगे मॉम? आई मीन मेरी बात तो सुन लो पूरी। एक्चुअली क्या है ना कि ऋषि भाई नीचे हॉल में आए थे, उन्होंने यूवी भाई को बोला था कि मिस्टर काबरा के साथ में मीटिंग है तो वहाँ चले जाए। एक्चुअली ऋषि भाई को कुछ काम है, वैसे तो दोनों साथ में जा रहे थे, पर ऋषि भाई को कुछ काम होने की वजह से वो अपने ऑफिस पहले जाएंगे और यूवी भाई बाद में जाएंगे। आई मीन यूवी भाई से बाद में मिलेंगे मिस्टर काबरा के ऑफिस मीटिंग में। समझिए, आपको नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं जाऊँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, बाय। मैं जा रहा हूँ, बहुत सारे काम है। क्या हुआ? देखिए ना आंटी, ऋषि ऑफिस चला गया। मैं आज ही तो यूएस से आई हूँ, आधा घंटा तक मेरे साथ नहीं रुका, 5 मिनट में भाग गया। नॉट डन। और की तुम भी ऑफिस चली जाओ। हाँ देखो, ऋषि को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, जो उसने नहीं किया, तो अब तुम ऑफिस चली जाओ। हाँ, और तुम जाकर के उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो। अब देखो, यहाँ टाइम स्पेंड करो या वहाँ करो, बात तो एक ही है ना। हाँ, गुड आइडिया। लेकिन ऋषि गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं रे, अगर वो पुराना वाला ऋषि होता ना तो गुस्सा हो जाता। हाँ, पूरा ऑफिस सिर में चढ़ा लेता, पर अब तो वो पुराने वाला ऋषि रहा ही नहीं। हाँ, तो बहुत प्यारा बच्चा हो गया ना मेरा। आपको ऐसा लगता है? तुम्हें नहीं लगता? देखो, तुम लोग
इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो अच्छा इन बातों को छोड़ो, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। अगर तुमने वैसा किया ना तो बहुत जल्द मेरा ऋषि तुम्हारा हो जाएगा। डन डन। देखो अब तुम जल्दी से जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ आधा दिन क्या, पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करो। वो जहाँ जहाँ जाता है तुम उसके साथ जाओ, जहाँ वो बैठता है तुम उसके साथ बैठो, ठीक है? साथ में रहोगी साथ तो हो ही जाएगा। Got it. आपका मतलब है कि जहाँ ऋषि जाता है मैं वहाँ जाऊँ, हाँ। ताकि उसको मेरी आदत हो जाए, right. और फिर जब मैं नहीं होंगी तो वो मुझे मिस करेगा। Addiction, right? Yes! अमेरिका से सब कुछ सीख कर आई हो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैं तुम्हें उसके ऑफिस का एड्रेस देती हूँ। अरे आंटी मेरे पास एड्रेस है, उसकी जरूरत नहीं है। बट थैंक यू सो मच। ओ गुड लक गुड लक गुड लक। थैंक यू बाय। अरे सुनो सुनो लंच वो भी मैं ऋषि के साथ ही कर लूंगी। यस जगह सिर्फ ऋषि दिखाई देता है। उसका नाम आते ही मेरे चेहरे पर ये मुस्कान आ जाती है, लेकिन जब मेरा चेहरा उसके सामने आता है उसकी आंखों में गुस्सा। मैं क्यों सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ, उसे महसूस करती हूँ, लेकिन ऋषि तो मुझसे बहुत नफरत करता है। नफरत। जितना मैंने समझाने की कोशिश की गलत फहमियाँ उतनी और बढ़ गई, जितना मैंने सुलझाने की कोशिश की समझ और उलझ गई। ऋषि मुझे समझता ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहता। मैं तनु नहीं, तनु जाओ। नया जन्म लेकर आई है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। वो आई है अपनी कसम पूरी करने के लिए, तुझे पूरा करने के लिए। आज अगर भगवान भी मुझे अपने पास बुला लेना, मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में बुला ले, तो मैं उनसे भी लड़के वापस इस दुनिया में आ जाऊंगी। सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लूंगी, फिर से आऊंगी इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, ठीक नहीं किया। बहुत परेशान कर रही है मुझे, मेरी सोच मेरी यादों को उलझा रही है। नहीं, उसने ये ठीक नहीं किया। मैं जानता हूं कि वो तनु चाहे तनु नहीं, ये भी जानता हूं कि बार बार वो उस पागल औरत को मेरे सामने भेजती है समझाने के लिए, जो बात मैं समझना नहीं चाहता। ठीक नहीं है, लेकिन उसका वो चेहरा, ये तनु नहीं है, ये तनुजा है। जब आग लगी थी ना तो इसका चेहरा जल गया था, प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो डॉक्टर ने गलती से इसको ये तनु का चेहरा दे दिया है। चेहरा तो उसका तनु का है। हर बार किसी ना किसी बहाने मेरे सामने आने की कोशिश करती है, जानबूझकर सब करती है। बहुत उलझा रही है, परेशान कर रही है लड़की मुझे। उसे माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए।
तुमसे मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। मैं कमिंग सर। कमिंग। सर युवराज सर मिस्टर काबरा के ऑफिस पहुंच गए हैं मीटिंग के लिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलो 15 मिनट लगेंगे। सर 25 मिनट, उनका ऑफिस तो दूर है ना। तो कह दो 25 मिनट लगेंगे, कोई जरूरी काम करके निकल रहा हूं। ओके सर। तनुजा मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे इस तनुजा से कैसी लड़की है ये, कभी सोचा नहीं था कि किसी से इतनी नफरत करूंगा मैं। किस्मत अच्छी है मेरे सामने नहीं आ रही, अगर आ गई ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पता नहीं क्या करूंगा। भूल जाऊंगा कि वह लड़की है, भूल जाऊंगा मैं, बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। तनु, तनुजा, तनु, तनुजा, तनु, कहाँ चली गई है? तनुजा, कहाँ चली गई है लड़की? तनु तनुजा, कहाँ चली गई है? लगता है चली गई। चलो अच्छा ही है जो चली गई, अगर यहाँ होती भी तो मैं उसे क्या कहती? उसे ये कहती कि ऋषि ने मेरी बात में विश्वास ही नहीं, क्या ये कहती कि ऋषि के दिल में अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं, सिर्फ नफरत भरी है उसके दिल में। माँ ये तो क्या कर रही है माँ, वो दोनों तो मानते नहीं कि वो एक दूसरे के लिए बने, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो तेरी करनी है, तेरे ग्रह नक्षत्रों का खेल है। मैं जानती हूँ कि तू खेल रही है माँ, पर अब बस कर माँ। माँ माँ तू अपने असली रूप में आ जा, अपने माँ का रूप दिखा जा माँ। उन दोनों को अपनी कसम पूरी करने के लिए तूने उसे भेजा है ना, तो अपनी कसम को पूरी कर ना माँ। दिखा दे इस दुनिया को कि तेरे कायनात से बढ़के इस दुनिया में और कुछ नहीं, कोई नहीं। दिखा दे माँ, दिखा दे माँ। 20 साल का वक्त कुछ कम नहीं होता। 20 साल इंतजार करवाए माँ तूने उन दोनों को, पर अब नहीं। अब उनकी कहानी को पूरा करते, ऋषि और तनु की प्रेम कहानी को पूरा करते माँ, करते उनकी कहानी पूरी। मुझे इश्क से सर, मैं आपके ऑफिस में मिला जितना तो... कितना बोलती हो तुम? नहीं मानता कि मैं ऋषि की तनु हूं, पर काश काश मैं ऋषि की तनुजा होती, वही तनुजा जो उसके ऑफिस में काम करती थी। पर मेरे घर वालों के अतीत और अतीत के इस चेहरे के साथ
अब मैं तनुजा भी नहीं बन सकती। सच तो ये है कि ऋषि मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत। फिर चाहे मेरा नाम तनु हो या तनुजा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जानकी की ऋषि को मुझसे इतनी नफरत है, इतनी नफरत। उसका दर्द देख, उसकी आंसू देख, उसकी तड़प देख, बस कर माँ, अब बस कर, उसे राहत दे माँ, उसकी मोहब्बत उसे लौटा दे माँ, लौटा दे। माँ तूने जितने परीक्षा लेनी थी ले ली, अब बस माँ, अब बस, अब और उसकी परीक्षा मत ले माँ, मत ले। साबित कर दे, साबित कर दे कि तू उसे अपने ऋषि के लिए वापस लाई है, तो उसे ऋषि से मिला दे, ऋषि और तनु को एक दूसरे से मिला दे माँ। माँ उसे कोई भी तीसरा जुदा नहीं कर सकता माँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। Okay, drama. Six years. You know, I missed you so much. मतलब ऋषि तो कभी सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करता था, और आज आज उसने मुझे हक किया। I mean, what a change. I like this change. I like this man. मतलब ऋषि तो मुझे उस दिन से पसंद है जिस दिन से मैंने उसे देखा था, लेकिन finally अब जाके मौका मिला है, और इस मौके को मुझे अब लव स्टोरी बनाना है। I'm so excited. और अब तो रानू आंटी वो भी मेरे साथ है। Yes. अरे ये माँ किस काम आएगी? देख, 6 साल से तू उसे प्यार करती है, अब देखना मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ऋषि तुमसे प्यार करने लगेगा। अब चल करके तेरे लिए ऋषि को पटाते हैं। वाओ, सो फाइनली इट्स हैपनिंग। और जो नहीं होने वाला वो भी हो रहा है, और जो हो ही नहीं सकता था वो सब कुछ भी हो रहा है। और रानू आंटी वो भी यही चाहती है जो मैं चाहती हूँ। और ऋषि क्या चाहते हैं, बट आई लव एंड आई लव हिम अ लॉट। किस मिट्टी से बनी हो तुम? तुमने इतने लोगों को धोखा दिया, इतने अच्छे लोगों को धोखा दिया तुमने। शर्म, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? तुम कितनी गरीब इंसान हो, तुमने सबके साथ गंदा खेल खेला है। किसी के साथ? चुप, चेहरे से प्यार का सौदा करने आई हो। अभी अचानक मुझे उसका ख्याल कैसे आ गया? कैसे अचानक मुझे एक ऐसी अजीब सी बेचैनी है, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही अचानक। एक पल के लिए एक पल आया और उसकी याद, उसका ख्याल, ये क्या हो रहा है?
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.